फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। हमारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी हो चुका है, ये हमें 30 जून से पहले ही कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा। एंड इनएक्टिव होने के बाद आप अपने पैन कार्ड का यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी भी काम के लिए। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह हम अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं। ये सिंपली 2 मिनट्स के प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हमें इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है, जिसके लिए लिंक है www.incometax.gov.in/iec/fo-portal। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस लिंक पे जाते ही आपको यहाँ नीचे मिलेगा आर सर्विसेज में आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ लिखा हुआ है लिंक आधार, आपको इस पर क्लिक करना है। अभी पोर्टल थोड़ा स्लो है क्योंकि नया पोर्टल आया है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप वेट कर लीजिए। देन इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना है, देन उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन माई आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पे आपका ईयर ऑफ बर्थ है तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। देन उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है आई अग्री टू वेरीफाई माई आधार डिटेल्स, अगर आप कन्फर्म करते हैं। देन इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, आपको वो OTP यहाँ पे पुट करना है। इस OTP की वैलिडेशन 15 मिनट तक ही होती है, आप 15 मिनट तक इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना OTP डाल दिया है एंड मैंने इसको सबमिट कर दिया। देन क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, क्योंकि मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड है, इस वजह से मुझे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अगर आपका लिंक होना है तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इसका स्टेटस कैसे देख लें, तो उसके लिए हमें फिर से होम पेज पर जाना होगा। इनकम टैक्स के होम पेज पर जाने पर आपको यहाँ दिखेगा लिंक आधार, नो अबाउट योर आधार पैन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर एंड आधार नंबर डालना है, देन इसके बाद इसको आपको कंटिन्यू करना है। देन क्लिक करते ही देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है आपका पैन इस लिंक टू आधार नंबर, जो भी दिया हुआ आधार इससे ऑलरेडी लिंक्ड है। मैंने इस पर ओके कर दिया क्योंकि मेरा आधार और पैन लिंक था, इस वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ आया है। और आपका अगर लिंक्ड होना होगा तो जो भी स्टेटस रहेगा वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। तो ये था प्रोसेस आधार को अपने पैन से लिंक करने का तरीका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।